श्री प्रभुपदा के साथ उनका संबंध। 1947 में श्रीला नारायण महाराज ने भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपदा से मुलाकात की, जो विश्व में गौरी वैष्णव के उपदेश हो जाते हैं और जो विश्व में हरे कृष्णा मूवमेंट के संस्थापक भी माने जाते हैं। दोनों एक साथ तब तक काम करते रहे जब तक स्वामी प्रभुपदा उनके साथ रहे, लेकिन जब वे पश्चिमी जगत जाकर अपने प्रचार में लग गए तो उन दोनों का साथ अलग हुआ, लेकिन उपदेश फैलना बंद नहीं हुआ। प्रभुपदा पश्चिमी जगत में अपने प्रचार का मिशन शुरू कर चुके हैं और 12 वर्षों तक वे विश्व के कई कोने में रहे। इस बीच जब श्रीला नारायण महाराज श्री प्रभुपदा के साथ इन वर्षों में लगातार संपर्क बनाए रखे हुए थे, दोनों के बीच धार्मिक आदान प्रदान के संस्थाओं की अदला बदली होती रही और इस बीच एक दूसरे ने कई 300 से ज्यादा चिट्ठियों का भी आदान प्रदान किया। 1977 में श्रीला प्रभुपदा ने अपनी समाधि लेने से पूर्व श्रीला नारायण महाराज को बताया था कि वे पश्चिमी जगत में अपनी उनके सभी भक्तजनों को यह संदेश दे और वे वहां से बाकी का काम करें और लोगों को वैष्णव दर्शन शास्त्र तथा राधा कृष्ण भक्ति के बारे में समझाए। विश्व की यात्राएं 1996 में श्री नारायण महाराज विश्व के कोने में यात्राएं कर रहे हैं और वे इस दिशा में अपना प्रचार और खोज कर रहे हैं। इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, अमेरिका, जहां उन्होंने बोस्टन, लॉस एंजलस, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, सैन जोसेफ आदि शामिल हैं। कोस्टा रिका, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और फिजी का भी वे यात्रा कर चुके हैं। फिजी में वे इस वक्त सभी भक्तजनों के लिए अनुपम भेंट लेकर आए हैं, जो प्रेम का है और भक्ति से जुड़ा है। फिजी में या उनकी दूसरी धार्मिक यात्रा है, उनके यहां कई कार्यक्रम होने जो सुबह के अलावा देश के अन्य भागों में होंगे। आशा है आप सब उनके आगमन का हार्दिक स्वागत करते हुए उनके मार्गदर्शन के अभिलाषी होंगे। अब मैं पूज्य श्री महाराज जी से अनुरोध करता हूं कि वे ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो परम हर्ष का विषय है कि आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। सबसे पहले मैं अपने परमार्थिक गुरु नित्य लीला प्रविष्ट उन विष्णुपाल शिष्य भक्ति प्रज्ञान के शिव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि पुष्प श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट उन विष्णुपाल शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी दंडवती प्रणति ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात वैष्णवजन उपस्थित सज्जन माताएं और बहन मैं यहां करके परम आनंद अनुभव करता हूं और सबसे पहले मैं ये सनातन धर्म सभा सुबह को उसके सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। उन्हें बड़े प्रेम के साथ में हम लोगों का अभिनंदन किया है। मैं बहुत एक तुच्छ व्यक्ति हूं, कोई विद्वान नहीं, कोई संत नहीं, तो भी वृंदावन धाम से मथुरा धाम से आया हूं। भारत यह नाम इसलिए पड़ा, भा माने होता है प्रकाश ज्योति, रत उसमें जो लगा हुआ है। भारतवर्ष में वैदिक ज्ञान की एक ऐसी ज्योति है जो विश्व में कहीं नहीं है, कहीं नहीं देखी जाती। ज्ञान का उद्गम स्थान, वेदों का उद्गम स्थान है, इसलिए इसको भा माने अत्यंत तेजस्व रूप बतलाया गया। वेदों में पहला ही मंत्र ऐसा है, तमसा मागम ज्योतिर्गमय, तमसा मा अंधकार की तरफ में मत बढ़ो, ज्योतिर्गमय ज्योति के तरफ में। अंधकार और ज्योति क्या है वेदों में ही बतलाया गया। ये जो मैं हूं और मेरा हूं, ये संसार मेरा है, यह शरीर मैं हूं, और इसी में रचे पचे रह गए सारा जीवन। और यही नहीं समझा किसके अंदर में क्या चीज निकल जाने से शरीर धरा रह जाता है, संसार धरा रह जाता है। भगवान सत्य है या नहीं है, ये तो तर्क वितर्क और फिर अनुभव और भजन की बात है। किंतु यह सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी अवश्यंभावी है। जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ऐसा कोई संसार में नहीं है, नहीं आया जिसका जन्म हुआ फिर मरण नहीं है, और मरण है तो फिर उसका जन्म नहीं, जरूर होगा। केवल वही ऐसे हैं जो देखने में मनुष्य जैसे किंतु परम भगवत भक्त हैं या भगवान हैं। जन्म जैसा उनका दिखता है, मरण जैसा दिखता है, किंतु जन्म मरण वास्तविक में नहीं है। इसलिए सारे सृष्टि को उत्पन्न करने वाले
जन्मादश्य जतः, जिससे सारे जगत का जन्म हुआ, अभी उसी के वजह से हम जीवित हैं। प्रलय में हम जिसके अंदर में प्रवेश कर जाएंगे वो परब्रह्म जो है उसी के हम सब दास हैं। आत्मा के रूप में है ममैवांसो जीवलोके जीवहूत सनातन। हम ये हार्ड मांस के पुतले नहीं हैं, इसका धर्म ही सनातन धर्म नहीं है, ये तो मिट्टी का एक लौंदा है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसलिए मनुष्य मात्र ही भगवान के दास हैं और उनको भूल करके हम इस संसार में आवागमन में पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। इस तत्व को जान करके संसार में जीवन को निर्वाह करते हुए वाणिज्य व्यवसाय से जैसे तैसे जो जहां है, जो गृहस्थ है वो गृहस्थ, त्यागी है त्यागी, अपने जीवन का निर्वाह करते हुए परम प्रभु का स्मरण करें और उनको जान करके पूरा इस संसार से सदा के लिए निवृत्त हो जाए, ये ज्ञान है। मनुष्य जन्म में इसी ज्ञान को लक्ष्य करके जो हम सभी भगवान के दास हैं, जब तक उनका भजन नहीं करेंगे सुख नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा, श्रुति सिद्धांत यह है उरुगारी भजिए राम सब काज विषय, कमठ पीठ पर जाम ही बारा, कमठ कछुए के पीठ पर भले ही केस उग आए नहीं उगता। फिर भी तुलसीदास जी कहता मैं मान लेता हूं बंध्या से तो बरु का ही मारा, बांझ को के लड़कों को किसी ने मार दिया। अरे बांझ को तो लड़का होता नहीं, अरे मान लो कि उसको लड़का है और किसी ने मार दिया, इस बात को भी हम मान लेंगे। नव फूल ही बौर बहुदेव फूला, आकाश में फूल खिल जाए ऐसा कभी संभव नहीं है, तभी हम मान लेंगे। अंधकार बरु रवि न सावे, अंधकार सूरज को निकल जाए निकल जाए तभी हम मान लेंगे। हिमते अनल प्रगट बर होई, बर्फ से हिम से आग भले ही पैदा हो जाए असंभव तभी हम मान लेते हैं। बार मथे बर होय घृत शिकताते बरु तेल बिंहरि भजन न भवतरीय यह सिद्धांत अपे। बार मथे पानी को मथने से भले ही घी निकल आए और बालू को रेती को पीसने से भले ही उसमें से तेल आ जाए कभी संभव नहीं, मैं मानूंगा जो हो सकता है किंतु यह मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि बिन हरि भजन न भवतरीय यह सिद्धांत अपिल। बिना भगवत भजन के कभी भी जीव का कल्याण और सुख नहीं हो सकता है, यह सिद्धांत अपिल, इसको इधर उधर नहीं किया जा सकता। यही भारतीय संदेश है, यही ज्ञान है जो भारत के अतिरिक्त कहीं नहीं, विश्व में नहीं। अब ये वृंदावन में जाएंगे, अयोध्या में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, देखेंगे सर्वत्र ये ज्योति प्रकाश है। अभी दो सनातन, मुझे तो बड़ा आनंद हुआ यहां आया, देखा ये सनातन धर्म सुगम बहुत अच्छी, किंतु सनातन धर्म के संबंध में कुछ जो धारणाएं हैं लोगों की कुछ भ्रांत सी है, सबके लिए नहीं कहता, कुछ लोगों की आधुनिक लोगों की सनातन धर्म के संबंध में जो धारणाएं हैं वो कुछ गलत है। यदि हमारी धारणाएं वेद के अनुकूल हो, गीता भागवत के अनुकूल हो, वाल्मीकि रामायण के अनुरूप हो,
हमारे तुलसीदास जी, संत तुलसीदास जी के रामायण के अनुकूल हो तो वो ठीक है। पढ़ते तो हैं, रामायण खूब पढ़ते हैं, अपने को सनातन धर्मी भी कहते हैं, किंतु ये जान लेना उचित है कि सनातन धर्म क्या है पहले, और इसके बाद में भगवान का भजन किसको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं, क्षत्रिय किसको कहते हैं, ये सबको भी जान लेना उचित है। हमारे जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? कुत्तों का जैसे कोई लक्ष्य नहीं होता जीवन में, बड़े जोर से चलते हैं और कहीं रुकते नहीं है, समय नहीं, और एक मील पत्थर को देकर के थोड़ा सा वहीं पर पेशाब पैर उठा करके किया और फिर वहीं से फिरे। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। आज मनुष्य जीवन संसार का ऐसे ही भ्रष्ट हो रहा है, जीवन का लक्ष्य नहीं है, कोई बतलाने वाले भी बहुत कम है। मैं संक्षेप में दो एक बातें बतलाता हूं आप लोगों को, फिर कल से हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की, कृष्ण की हम लोग मधुर लीला कथाओं का और उसके जो उपदेश सुंदर सुंदर है उसके माध्यम से हम लोग आप लोगों के सामने परिवेशन करेंगे। आज थोड़ा सा मैं सनातन धर्म के संबंध में थोड़ा सा मैं निराकरण कर रहा हूं। पहले ये समझना चाहिए धर्म माने क्या। जो चीज हमें धारण करता है, जैसे आग को धारण करती है उसकी दाहिका शक्ति, आग में दाहिका शक्ति ना हो तो आग नहीं बल्कि वह राख है। पानी है, पानी का तरलता धर्म है, चाहे आग खूब लगी हो, गर्म पानी भी ऊपर छोड़ दिया जाए तो उस आग को बुझा देगा, ठंडा पानी भी बुझा देगा, तरल होता है। जल में से तरलता को निकाल दो आग बन जाएगा, आग में से दाहिका शक्ति को हटा दो तो वो हवा बन जाएगा, फिर रहेगा नहीं। इसलिए जो वस्तु को, जिस वस्तु को जो धारण करता है उसका नाम है धर्म। हम धर्म के बिना एक सेकेंड एक पल भी नहीं रह सकते। कैसे? अरे भाई, हम यदि हमारा धर्म सनातन है, हम यदि सच नहीं बोलते हैं झूठ बोलते हैं, हमारा धर्म माता पिता का आदर करना है, हम नहीं करते हैं, हम माता पिता को मारते हैं जैसे औरंगजेब ने किया, जैसे हमारे यहां अब कंस ने उग्रसेन जी को कैद कर लिया जेल में अपने पिता को ही, तो ये तो धर्म का भी तो काम किया, तो ये जीवित कैसे रहे? बल्कि देखा जाता है जो धर्म के विरुद्ध जो आचरण करने वाले हैं वो अधिक सुखी हैं। चोर है, लंपट है, झूठ बोलते हैं, हुक रूक से कैसे किस प्रकार से धोखा देकर के धन को संग्रह करते हैं वो बड़े सुखी, और जो संत लोग हैं वो दुखी दिखते हैं ऐसा मालूम होता है, किंतु बात विपरीत है, हम पीछे बतलाएं। तो ये हमारा कैसा धर्म है जिसके बिना भी हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हमारा धर्म क्या है इस चीज को समझना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म है। ऐसे संसार में कौन सा प्राणी है अत्यंत खुखार प्राणी है? बाघ, सिंह, गैंडर इत्यादि है, किंतु इनके अंदर में भी कुछ चीज ऐसे कॉमन है जो सब में है, वो पेड़ पौधों में भी है। वो क्या चीज है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता? कोई भी प्राणी ऐसा कोई दुख चाहता हो सुख नहीं चाहता हो? ऐसा पेड़ पौधा कीट पतंग मनुष्य
गंधर्व सिंह इत्यादि कोई नहीं है। यही जो सुख है अपने शुद्ध स्वरूप में, ये कैसा होता है? प्रीति से, खाने पीने से नहीं होता, खिलाने से नहीं होगा। यदि प्रीतिपूर्वक उसे खिलाया जाए, प्रीतिपूर्वक बातचीत किया जाए, कुछ न दिया जाए, प्रीतिपूर्वक उसको थोड़ा सा पानी भी दे दिया जाए, न दिया जाए, आइए बैठिए आपका स्वागत है, तो वहां पर जाकर के आप बैठेंगे प्रीति से। और जहां प्रीति नहीं है वहां पर नहीं रह सकते। इसलिए यह प्रीति जो है यही हमारा धर्म है। बिना प्रीति के सुख भी आनंद भी नहीं होगा। ऐसा कोई भी प्राणी है नहीं है जो सुख नहीं चाहता। सुख का नाम आनंद है, आनंद है प्रीति में और प्रेम में। यदि प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए बाघ सिंह भी अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, भले ही आपको हमको खा जाएंगे, इसलिए किसी न किसी रूप में उनमें प्रीति है। सर्प दूसरों को काटते हैं किंतु अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं। इसलिए ये स्वाभाविक चीज है, प्रेम सब में प्रीति है। किंतु यह प्रीति अभी कुछ मलिन है। जिसको इस संसार में प्रेम करते हैं वही आपको दुख देता है, ऐसा भी है इस संसार में। इसलिए यथार्थ में यह जो प्रीति है प्रीति नहीं है। प्रीति का ऊपर से दिखता है, प्रीति का आभास इसको कर सकते हैं। इसलिए संसार में हम अपनी पत्नी को जो प्यार करते हैं, बेटे को जो प्यार करते हैं, प्रीति से हम देखते हैं, विशेष करके वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका इत्यादि में, यदि प्रीति है, पहला विवाह हुआ तो इसके बाद में डाइवोर्स करके 10 पत्नियों के साथ में क्यों शादी करते हैं? क्यों करते हैं? बच्चे जरा थोड़े से बड़े हो गए, उनकी शादी आप कर देंगे, फिर आपके बात में नहीं रहेंगे, बीवी को लेकर के उड़ जाएंगे, फिर उसको भी छोड़ करके दूसरे के यहां चले जाते हैं। प्रीति ये देखते हैं कि इससे हमारा यह लाभ होगा, तब तो प्रीति रहेगी। बिना स्वार्थ के प्रीति इस जगत में नहीं है। स्त्री सुंदरी है, हमारी सब सेवा करती है, हमारी यदि बात मानती है तब तो ठीक है, और थोड़ी सी अड़ गई तो बस हो गया। यदि उसका थोड़ा सा जल गया, कुरूप हो गई, छोड़ो, काम नहीं कर सकती, छोड़ो, ये भारत की सभ्यता नहीं। किंतु ऐसा है, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति ये जगत में। यही प्रीति विशुद्ध हो करके, संशोधित हो करके, जैसे खनिजों से तेल निकलता है, रिफाइनरी में उसको शुद्ध करके, शुद्ध रूप में उसका पेट्रोल और क्या क्या ये सब बनता है, किरोसिन तेल बनता है और सब, अरब के देश इसी से जीविका निर्वाह करते हैं। उसी प्रकार से यह प्रीति अभी दुखदायी है। आप पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, बेटे को बहुत प्यार करते हैं, किंतु बेटा या पत्नी मर गई, देखिए कितना दुख। बड़े कष्ट से आपने धन संग्रह किए और इसके बाद में वो धन किसी तरह से नष्ट हो गया, बैंक फेल हो गया, कंपनी फेल हो गई, आपकी लाल बत्ती जल गई, अब रहने का ठिकाना नहीं। रावण को देखा आपने, दुर्योधन का देखा, क्या गति हुई, धन कहां गया वो सब। इसलिए जगत में सच्ची प्रीति नहीं। प्रीति वही सच्ची है जिसमें कोई भी स्वार्थ का लेश नहीं है, जिस प्रीति में लेना नहीं है, देना ही देना है, और वह यदि भगवान के प्रति हो तो संभव है। क्यों? जगत में जो चीज सनातन है, नित्य है, अजर अमर है, एक कौन? भगवान। दूसरे उनके बंदे, उनके सेवक जी। गीता में लिखा गया, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन,
अर्जुन तुम कहता है जैसे मैं इन लोगों को मारूंगा नहीं, मारने से सब वीर लोग मर जाएंगे, उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर जगत से धर्म नष्ट हो जाएगा, सब धर्म ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इनको नहीं मारता। कृष्ण ने कहा मूर्ख अशोच्यान अनशोचस प्रज्ञावादांश्य भाष से, अरे मूर्ख होकर के कुछ नहीं जानने वाला, और तुम अपने को पंडित समझ रहा, गतासु न गतासु नाम सोचन्ति पंडिता, ये शरीर तो जाएगा ही, इसके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते, ये राजा लोग पहले नहीं थे अब हुए हैं और फिर मर जाएंगे फिर नहीं होंगे, ऐसा मत समझो। हमने यह ज्ञान करोड़ों वर्ष पहले सूर्य देव को ये सनातन धर्म की बातें कही थी, फिर तुमको बतला रहा हूं। ये शरीर मट्टी का है, बांसास जीर्णानी जथा विहाय, ये कपड़े की तरह है, कपड़ा गंदा हो गया फट गया नया कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसे कर्मों के द्वारा निर्मित यह शरीर मिला, कर्म भोग लेने के बाद में जितना जिसकी आयु कर्म के अनुसार है चिथड़ा हो गया शरीर, छोड़ करके नए शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, इसलिए आत्मा अजर अमर है, वो हमारा अंश है। मुमई वंशो, कौन कह रहा है ये, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेट कर रहे हैं, मत परतरम किंचित ज्ञानस्तु धनंजय, हमसे बढ़कर के और जगत में कोई परतत्व नहीं है, वो परतत्व श्री कृष्ण कह रहे हैं, हमसे बढ़कर के वो अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, तू मार लेगा, अरे जीवात्मा तो मेरा अंश है, तू भी मेरा अंश है, सभी लोग अंश हैं, इसलिए जीवात्मा अजर अमर है, नैन क्षितंति शास्त्राणी नैन धत् पावक न चैन क्लेदयं तापोष न शोष, उसको मृत्यु क्या स्पर्श कर सकती है, पानी नहीं स्पर्श करता, शस्त्र से काटा नहीं जाए, इसलिए अब तो अयम अच्छिद्यो अयम अदायो अयम हाँ नित्य सर्वगत स्थानु रचलो अयम सनातन, ये सनातन धर्म है, ये जीव सनातन, इसलिए जीवात्माएं जितने हमारे अंदर में हैं, केवल मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग यहां तक कि पेड़ पौधे कृमि कीट जहां भी चेतनता नजर आती है वो सब चेतन है, वो भगवान के अंश हैं, अजर अमर हैं, उनको कोई मार नहीं सकता, किंतु अपने कर्मों के दोष से भगवान को भूल करके ये संसार में दुखी हो रहे हैं, इसलिए एक सनातन है भगवान के अंश, हम लोगों में जो जीवात्माएं हैं ये नित्य सनातन है, अवस्था भेद से कहीं मनुष्य कभी गंधर्व कभी देवता कभी मछली कृमि कीट सुअर गधा कभी पेड़ पौधे होकर के हम लोग आते हैं, ये मत समझिए कि पहला जन्म हमारा है, लाखों कोटि जन्मों के बाद में जब से सृष्टि हो तब से आपका हमारा जन्म हो रहा है, आज हमारा सौभाग्य है कि मनुष्य होकर के आए, साधु संगों का संत का संग हो रहा है और हम थोड़ा सा कुछ समझ रहे हैं, और समझ करके यदि भजन किया जिस रूप से हम लोग कह रहे हैं शास्त्र में लिखा है, बस इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे, अन्यथा फिर इसी में घूमेंगे। दूसरा सनातन कौन है, ओहो भाग्यम ओहो भाग्यम नंद गोप प्रजौ कशाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, पर ब्रह्म सनातन वो कौन है, वही नंद का जो ब्रजेंद्र नंदन गोपेंद्र नंदन श्याम सुंदर नवकिशोर नटवर जो कृष्ण हैं, जो देखने में छोटे से ही लगते हैं, बड़े मुग्ध से लगते हैं, मक्खन ब्रज में चुराते हैं, गैया चुराते हैं, गोपालों के साथ में क्रीड़ाएं करते हैं, गोपियों के साथ में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, वही कौन है जिसका ब्रह्मा था नहीं पा सका, शंकर था नहीं पा सके, गणेश जिनके चरणों की नख की चंद्रिका को भी स्पर्श नहीं कर सके, दुर्गा की तो बात ही क्या, जिनकी दासी की दासी है, ऐसे ही इस कृष्ण को और राम को साधारण मत समझिए, वो सनातन पुरुष हैं, इसलिए सनातन पुरुष जो भगवान हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, यदि उन्हीं का अंश जो जीव है किसी प्रकार से
उनके प्रति प्रीति कर सके, प्रेम कर सके, यही हमारा सनातन धर्म का सबसे ऊंचा तत्व है, यही प्रेम। नारी ही प्यारी कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय प्रिय दाम तिमी नघुनाथ निरंतर प्रियला गहु मोहिराम। जैसे कामी व्यक्ति को नारी प्यारी होती है और जैसे लोभी को धाम, दाम माने धन, धन के लिए प्राण छोड़ देगा, और जैसे दुर्योधन पांच गांव की तो बात क्या, आधी राज्य की तो बात ही क्या, एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के, हमारे तरफ में भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि हैं, एक सुई की नोक नहीं देंगे, इतना लोभ है उसको। ऐसे ही हमारा प्रेम हो राम के नाम के प्रति, यह है प्रेम शुद्ध, यही हमारा नित्य सनातन धर्म है, यह प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम। हमारे जो सबसे पहले हम लोगों का जो अभिनंदन करने के लिए आए ये बतलाए गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, वही प्रेम हम लोगों का ऑब्जेक्ट है जीवन का, यही सनातन धर्म का सबसे उच्च भाव है, वही प्रेम। गोपियों को कृष्ण ने कहा, न पारे हम निरबद्ध संयुजन सुसाधु कृत्या विभुताजुषा पिब मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संवृश्य तद वह प्रतिसाधु साधु। कृष्ण कह रहे गोपियों को, तुमने हमारे लिए, हमारे प्रीति के लिए, प्रीति के सुख के लिए तुम लोगों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, घरदार को छोड़ दिया, अपना संवारना चेहरा भी छोड़ दिया, भिखारिणी बन गई, यहां तक स्त्रियों के लिए लोक लज्जा नहीं छोड़ सकती, और लोक लज्जा तक भी उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हारे कोटि कोटि जन्मों में अवतार लेकर के भी तुम्हारा ऋण नहीं शोधन कर सकता। अरे आप तो भगवान हैं, आप उनका ऋण शोधन कर दीजिए, क्यों नहीं से? आपने तो गीता में कहा ना, ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। आप भगवान हैं, आप तो जो नहीं करने का वो भी कर सकते हैं, अघटन घटन पटीशी शक्ति वाले हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप उनका ऋण चुका दीजिए। आपने गीता में प्रतिज्ञा की, जो जैसा हमारा भजन करता है उसको देते हैं, ध्रुव को आपने राज्य दे दिया, प्रहलाद को दे दिया, आप क्यों नहीं इनका ऋण चुका सकते हैं? कैसे चुकाऊंगा? बात यह है, गोपियों ने पतियों को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, शील जो कुछ है सबको कृष्ण के लिए छोड़ दिया। कृष्ण किसको छोड़ सकते हैं? उनके तो करोड़ों सभी बहुत से भक्त हैं, कौन से भक्तों को छोड़कर छोड़ेंगे? किसी को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। गोपियों ने सबको छोड़ा ना, और छोड़कर के एकमात्र कृष्ण का की शरण में गई, उनकी सेवा की। कृष्ण किसी को भी छोड़ेंगे तो और सभी कारिणी हो जाएंगे, इसलिए कृष्ण किसी को नंद बाबा को छोड़ देंगे, जसोदा मैया को छोड़ देंगे, हनुमान जी को छोड़ देंगे, न किसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। और जैसे गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, कैसे कृष्ण सब कुछ छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। यदि कहो जैसे, नहीं आप तो भगवान हैं, किसी प्रकार से ऋण इनका चुका दीजिए, कैसे चुकाऊं? गोपियां कैसे कहूंगा जो कुछ वरदान मांगो? तो गोपियां क्या कहेंगी? अपनी सेवा हमें प्रदान कीजिए। तो सेवा यदि प्रदान किया तो फिर और उनके ऋणी हो गए, ये नहीं कहेंगे जी हमारी कुछ सेवा करो, इसलिए उनका ऋण का कभी ऋण। इसलिए प्रेम में लेना नहीं होता, केवल देना होता है, ये तब शुद्ध प्रेम होता है। यही शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति होने के बाद प्राणी मात्र के प्रति उसकी प्रीति हो जाती है, एक चींटी को भी पैर से नहीं दबाना चाहता, एक घास के ऊपर चलना भी पसंद नहीं करता, यह है भक्ति का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप। पहले किसी को साधन भक्ति कहते हैं,
और अंत फिर बीच में उसके भाव भक्ति कहते हैं, अंत में प्रेमा भक्ति कहते हैं। यही सनातन धर्म है। जब से यह पृथ्वी चली है, विश्व निकला और जब तक रहेगी, तब तक यह प्रेम किसी न किसी रूप में आच्छादित होकर के, ढक करके या कुछ प्रकाशित होकर के रहेगा। जब जब कोई महापुरुष आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, वो कुछ प्रकाशित हो जाती है और फिर कभी कभी ढक जाती है। कृष्ण के आने के पहले जरासंध, कंस, कालजमन, कर्ण, सपनी, दुशासन, दुशासन इत्यादि के कर्मों से, कुकृत्यों से वह धर्म छिप गया। कृष्ण ने आकर के उस सबको ध्वंस करके सनातन धर्म की रक्षा की। प्रेम ही जीव मात्र का धर्म है, ये ब्रज लीला में दिखला है। स्वयं बालक होकर के कैसे गोपियों के घरों में चोरी कर रहे हैं, माखन की, उनके हृदय की चोरी कर रहे हैं। रामचंद्र जी को देखिए, छोटे बचपन में क्या कर रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं और काक भूषण भी जाए दर्शन को मालपुआ दिखला रहे हैं, और जब वो निकट आ रहे हैं तो वो दौड़ करके रोते हुए भाग जाते हैं घर में। उनको संदेह हो गया, अरे ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। थोड़ा सा राम ने मुस्कुरा दिया और उनके मुख में चले गए और अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड अनंत काल तक देखने लगे। और फिर किसी प्रकार से उनकी कृपा से जब मुख से निकले, तब से हाथ जोड़कर उनके चरण, तब फिर से भगवान की कृपा से उनको फिर माया नहीं लगी। इसलिए इस विषय को याद रखना है, भगवान के प्रति प्रीति ही ये शुद्ध सनातन धर्म है। उस सनातन धर्म को पालन करने के लिए, समझने के लिए अपने कर्मों के द्वारा जीवन निर्वाह करना बहुत आवश्यक है। जब तक कर्म नहीं करेंगे जीविका निर्वाह नहीं होगी, किंतु उस कर्म को ऐसे बनाना है जो भक्ति में सहायक हो, भक्ति के अनुकूल वो कर्म हो, ज्ञान हो भक्ति के अनुकूल में हो, कंस रावण के समान हमारे कर्म न हो। रावण तो ब्राह्मण ही का बेटा था, अपने कर्म से हो गया राक्षस। इसलिए गुण के आधार पर ये सब जातियां बनी थी। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता था। आजकल ब्राह्मण नाम की बहुत कम चीज, विदेशों में तो विशेषकर कोई वर्ण व्यवस्था ही नहीं है, सब खिचड़ी बची हुई है। भारतवर्ष में कुछ है वो भी गलत तरीके से है, कुछ गड़बड़ हो गया है। मूल में रखना ये चाहिए, भगवान की भक्ति हमारा सनातन धर्म है। काल से जैसे भी कुछ हो जाए, किंतु इस भक्ति को हम शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जहां भी हो, गृहस्थ हो, त्यागी हो, अपने कर्मों को भक्ति के अनुकूल बनाते हुए और भगवान का भजन करें। भगवान के नाम करने में क्या लगता है, आप अपना दिन भर काम करो, सवेरे थोड़ा सा उठ करके अपने बिस्तर में बैठ करके राम 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 कह दो, क्या हुआ। उल्टा सीधा नहीं कर सकते, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नहीं कर सकते तो सीधा नहीं कर सकते, अरे उल्टा भी करो, मरा 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 भी करो, तभी कल्याण हो जाएगा। यदि कृष्ण नहीं कह सकते, किशन कहो ना कहो, राधे कह दो, कृष्ण का एक शब्द भी कुछ कह दो, कन्हैया कह दो, कृष्ण कह दो, क्राइस्ट कह दो। क्राइस्ट है कौन, आप लोग शायद नहीं समझेंगे, ये संस्कृत शब्द है, उसका ये तत्सम होकर के विकृत रूप है। कृष्ण शुद्ध शब्द, हमारे यीशु मसीह गए भारतवर्ष में, मथुरा वृंदावन में घूमे, फिर वाराणसी में गए, फिर जगन्नाथपुरी में गए, कृष्ण के का प्रभाव पड़ा उन पर, जगन्नाथ जी का प्रभाव पड़ा, तो कृष्ण को वो पहले तो क्राइस्ट के रूप में ग्रहण किया। लैटिन भाषा में क्रिस्टस ये शब्द है, और उससे विकृत होकर के अंग्रेजी में अब क्राइस्ट हुआ, किंतु है जैसे कि उड़ीसा में इसको कृष्ण कहते हैं, तमिल में भी शुद्ध कृष्ण न करके क्रिस्टो या कुछ कहते हैं, किंतु मूल है कृष्ण शब्द, ओरिजिनल रूट ऑफ द वर्ल्ड, उसी से ये क्राइस्ट बना, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं
क्राइस्ट का बेटा हूं। इसलिए क्राइस्ट के बेटे हैं माने कृष्ण के बेटे हैं, ऐसा समझिए। वो गॉड के पुत्र हैं, दूत हैं या संतान है अपने को कहते हैं। दूसरी बात, सनातन धर्म की एक बात और समझिए, जिन्होंने भगवान का रूप नहीं माना, ये भगवान का रूप नहीं है, निराकार है, निरंजन है, केवल आदि है, किंतु रूप नहीं माना, हिंदू धर्म में हमारे सनातन धर्म में उनका कोई भी स्थान नहीं। कैसे, थोड़ा सा विचार कीजिए, रूप शब्द है, निर्गुण शब्द है, अरूप है, इसमें गुण मौलिक शब्द है, रूप मौलिक शब्द है, उससे अरूप बना है। और माने क्या, निसर्ग कहते हैं। जब किसी को रोग हो गया तो डॉक्टर देखे नाक से पानी आ रहा है, शीर में भार है, छींक है, कौन सा रोग है, जुखाम, निसर्ग के द्वारा समझा जाता है। इसलिए मूल शब्द में जब निसर्ग प्र परा उप नी इत्यादि लगता है तो वो उसका रूप कुछ बिगड़ जाता है, किंतु मूल चीज को समझाने के लिए। इसलिए अरूप शब्द में भी रूप है, नहीं तो अरूप बनता नहीं। निराकार में आकार है, नहीं तो बनता नहीं, निराकार शब्द नहीं बन सकता, उसका कोई अर्थ नहीं होगा ना? इसलिए भगवान का रूप है, किंतु वह कैसा रूप है, सच्चिदानंद रूप है। ये आंखें सच्चिदानंद नहीं है, मट्टी की बनी हुई है। इसलिए भगवान को कैसे देखेंगे, जो आंखें अपने अपने को नहीं देख सकती, अपने शरीर के अंदर में आत्मा को नहीं देख सकती, भगवान को क्या देखेंगी। किंतु प्रेमांजन छुरित भक्त विलोचने न संत सदैव हृदय पया विलोकयंतु, किंतु प्रेम नेत्र से भगवान का साधन करने से देखा जाता है। जैसे आग यहां पर भी है, सर्वत्र देखी नहीं जा रही, सरसों में तेल है किंतु ऐसे नहीं देखा जाता है, पीसने से एक पत्थर पर पत्थर मारो देखो आग निकल जाएगा। हमारे शरीर में भी जठर अग्नि है, नहीं तो यह हजम नहीं होगा। इसलिए साधन के द्वारा होता है प्रकट। उसी प्रकार से भगवान सर्वत्र है, साधन के द्वारा प्रकटित होते हैं, चिन्मय नेत्रों से भी देखे जाते हैं, इस आंख से नहीं देखे जाएंगे। इसको हमारे ऋषियों ने देखा है, कृष्ण वही है, राम वही है, आंखों से देखे गए, भगवान की कृपा से देखे गए। से जानत जब देव जना, इसलिए भगवान की कृपा के बिना उनको नहीं देख सकते, किंतु उनका रूप है। ऐसा मत समझो ये सारा जगत शून्य है और शून्य से पैदा हुआ, नहीं, पूर्णम इदम पूर्णम वदः पूर्णात पूर्णम उच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान जो है पूर्ण है, उन्हीं से ये सब निकला है, निकलते हुए भी कुछ कम नहीं रहता, इन्फिनेटी माइनस इन्फिनेटी इन्फिनेटी ही रहेगा। पूर्ण में से कोई भी पूर्ण निकलेगा तो भी पूर्ण ही रहेगा। इसलिए भगवान से जितने भी अवतार निकलते हैं, विश्व निकलता है, तो भी वो पूर्ण रहते हैं। इससे पूर्ण से सृष्टि हुई है, जन्मादश जता इत्यादि में ये सब चीजें हैं। हमारे ऋषियों महर्षियों ने इसकी अनुभूति की साधन के द्वारा, इसलिए मनुष्य जन्म लाभ करके इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को समझना होगा। यदि नहीं समझते हैं तो धर्म हीना पशु भी समान, पशु के समान, पशुओं में मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं, इस चीज को भी समझना चाहिए। पशु भी खाते पीते हैं, हमको वर्ष में एक लड़का होता है कि नहीं भी होता है, उनको एक साथ में सुअर को 20-25 बच्चे पैदा होते हैं, किसी किसी को दो दो तीन तीन बार वर्ष में हो जाते हैं। हमको कितनी चिंता रहती है, बिना गोली खाए नींद नहीं आती, और उनको नालियों में जहां तहां वो सो जाएंगे और बड़े आराम से रहते हैं, उनको कोई समस्या वैसी नहीं है। उनको भी डर है अपने प्राण का, हमको भी डर है, तो फिर किस लिए उन्नत आप हुए मनुष्य कैसे, केवल मात्र सत्संग के द्वारा भगवान को जान करके अपने सनातन धर्म में हम प्रतिष्ठित हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग श्रेष्ठ हैं। इसी के संबंध में हम लोग कुछ कुछ आप लोगों के सामने हम लोग प्रकट करने के लिए बतलाने के लिए है कि केवल शरीर से धर्म जो हम मानते हैं, जो हम इस जाति के हैं, हम मनुष्य हैं,
हम एशियावासी हैं, हम भारतवासी हैं, हम फिजी के हैं, यहां के हैं, ऐसा नहीं। प्राणी मात्र भगवान का दास है, उन्हें छोड़कर कम आए हैं। कोई स्त्री बनी है, कोई पुरुष बने हैं, कोई गधे बने हैं, कोई सुअर बने हैं, किंतु प्रभु की ही संतान। इस चीज को समझो, रियलिटी को। ये हमारा सनातन धर्म है, इसलिए जीविका का निर्वाह करते हुए किसी प्रकार से इस तथ्य पर हम उपनीत हों, इन चीजों को समझे। और नहीं तो ये मनुष्य रूप में भी हम पशुओं से कुछ भी अलग नहीं है, पशु के समान नहीं है। विशेष करके मांस मदिरा इत्यादि का व्यवहार नहीं होना चाहिए। मांस माने मांस खादति, जिसको हम अभी आज खा रहे हैं वो कल हमें खाएंगे, इसलिए मांस है। मीट माने meat, वो जिसको हम खाएंगे वो हमको खाएंगे, इसलिए टू होम वी वीट टूडे दे विल इट टूमोरो इन एनी वे। प्रत्येक चीजों की प्रतिक्रियाएं होती हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा, भोगने के लिए बाध्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेष्वदाचर, काम तो कर देंगे, शराब तो पी लेंगे, दूसरों को मार डालेंगे, सब करेंगे, किंतु उसका फल भोगने के लिए प्रभु परमेश्वर आपको जाते में चक्की की तरह में पीस करके शत्रु बना देगा। यह भी समझ रखो, उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज जो नवयुवक है कल उनको बूढ़ा होना पड़ेगा, पर्थो लड़कियों के सहारे में चल सकेंगे कि नहीं, वही जो बड़े जोम से चल रहे हैं और अंत में चल नहीं सकेंगे, शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे। इसके पहले ही लब्धा सुदुर्लभम विदम बहुसम भवन्ति मानुष्यम मर्थदम अनित्यम अपी अधीर तुर्णम जतेत न पतेत अनुमृत्यु जावत निशेषा विषय खलु सर्वशा। मरते हुए परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी ने यह दिया था। ये सनातन धर्म है। थोड़ा सा ब्रह्मचारी जी आप लोगों के सामने इस श्लोक की व्याख्या कर देंगे। देव अमर है, उसके साथ साथ उसके स्वभाव
कि कर्म में अधिकार है, सभी लोग कर्म करते हैं। जैसे आप यहां आए हैं, इस भूमि को कर्म के द्वारा सुधारते हुए जिसको सुंदर रूप दिया है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि भूमि आपको अनुरोध वायुम मनोवृत्ति देव अहंकार इतियम भिन्ना में प्रकृति अस्तः भूमि जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार की ये प्रकृति, इसको जरा प्रकृति कहा। जीव जो है इससे ऊपर है चेतन प्रकृति, अपर्याप्त इतत्व ज्ञान प्रकृति विधि में परा वह परा प्रकृति है जिसको जीव होता महाबाहु जयदम धारते जन जीव रूपा परा प्रकृति जिसके द्वारा इस सारा संसार चल रहा है। सभी लोग कर्म कर रहे हैं, इस संसार में नई नई चीजों को बना रहे हैं, बड़े सुंदर रूप से सजाए। परंतु इसके बीच में एक बात है, भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने सबको कर्मों में अधिकार दिया, सभी लोग कर्म करते हैं। परंतु अर्जुन एक बात सोचने को है कि जज्ञासा कर्मों अन्यत्र लोक परम कर्म बंध, जब तुम्हें विष्णु भगवान को उद्देश्य करके यदि कर्म किया जाए, भगवान में समर्पित होकर के यदि किया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं रहेगा, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और नहीं तो केवल अहंकार अनुमान लेकर के मैं ही केवल करने वाला हूं, मैं ही भोग करने वाला हूं, तो इसमें अहंकार बन जाएगा और उसमें विमूल आत्मा हो करके बंधन को प्राप्त करेगा। इसलिए कर्मयोग की बात आई कि कर्मों को करें कर्म से संलग्न होकर भगवान के साथ संयुक्त होकर उन्हीं ने सब कुछ फल आदि सब समर्पण करते हुए हम करें। ऐसे ज्ञान भी है हमारे अंदर जिस समय हम प्रभु का आश्रय नहीं करते, उनको हम नहीं मानते, अस्वीकार करते हैं, तब तो समाज में देखा गया कि इससे पतन हुआ है, भटक गए, विभ्रांत तो हो गए, कभी भी बुद्धि स्थिर नहीं थी। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके पूर्णांगल, व्यवसायत्मिका बुद्धि हो, वह बुद्धि निश्चयात्मिका हो, मेरे बीच में हो। और बहुत शाखा धर्म का बुद्धि और व्यवसाय नाम जहां पर मूल को छोड़ करके बहुतों में बटी हुई है, वहां बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती, चित्त कभी स्थिर नहीं होता, भटकता रहता है। इसलिए उनको अधिक से अधिक क्लेश कष्ट दुख भोगना पड़ता है। अतएव भगवत आश्चित बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपत्त, अनेकों जन्मों के पश्चात ज्ञानी पुरुष अंत में वासुदेव सर्वनीति यह जानकर भगवान के चरणों में आश्रय लेते, अन्यथा कोई भी आश्रय नहीं, कोई स्थान नहीं। ऐसे ही हम संसार में रहते हुए आत्मीय सज्जन पुत्र परिवार बंधु बांधवों में सबने प्रति को बढ़ाए हुए हैं, सभी को हम प्यार करते हैं, किंतु आज हमारा सब बिखरा हुआ है। क्यों? हमारे जो मूलभूत केंद्रभूत पुरुष हैं भगवान है, परंतु श्री कृष्ण में आश्रित होकर के हो तब एक सूत्र में बंध जाए, अन्यथा हम संसार में दुनिया में भक्ति किए, सबको आदर किए, सबको नमन किए, सबको हाथ जुड़े, परंतु हमारा चित्त स्थिर नहीं,
मेरे लिए कुछ दान करो, कुछ सेवा करो। यह भी नहीं होता है तो केवल हाथ जोड़ करके माओ नमस्कार, श्रद्धा से, हृदय से, भावना से युक्त होकर एक बार भी उसको कोई प्रणाम करता है तो वह व्यक्ति जीवन से मुक्त हो जाता है, स्वास्थ्य बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं सकृत प्रणाम कृष्णस्य मातुस्तन्यं पिनिन्नः, एक बार भी कोई कृष्ण को प्रणाम करता है अहंकार अनुमान को छोड़कर तो माता का स्तन पीना नहीं पड़ता। दशाश्वमेध ही पुनर्यदि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवान, दशाश्वमेध यदि करने वाला फिर बार बार संसार में आकर के जन्म देगा। कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर कभी संसार में लौट कर नहीं आएगा। इसलिए कहा है श्रीमद् भागवत में यदि कोई व्यक्ति प्रभु का नाम लेता है, भगवान का एक बार नमन करता है, एक बार उनको स्मरण कर लेता है तो उनकी सारी तपस्या हो जाती है, समस्त प्रकार वेद अध्ययन हो जाता है, समस्त प्रकार का यज्ञ हो जाता है, समस्त तीर्थों में स्नान हो जाता है। गृहनंदी देते ब्रह्मा को जरूर नाम जो लोग भगवान के नाम का कीर्तन करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में इस पद पर नाम की अनुवाद कीर्तन की लघ्वा सुदुर्लभम बहु संभव आप। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा हे महाराज परीक्षित, हे राजन, लघ्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभव आप, अनेकों अनेकों जन्मों के पश्चात हमें बड़े सौभाग्य से यह मानव जीवन मिला। भगवान ने इस कर्म क्षेत्र में भेजा मनुष्य जीवन दिया, उस जीवन में हम ऐसे ऐसे कर्म किए कि हम नीचे की ओर चले, कभी पशु पक्षियों में, कभी पेड़ पौधों में, कभी देवताओं में, कभी रिश्तेदारों में, कभी इस प्रकार कम किस प्रकार ऐसे हमारा जन्म हुआ। कृष्ण बोली सही जी महादि बहे वो भगवान से कई तरह महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण को भूल करके हम अनादिकाल से इस संसार में आ गए, जब से हम उनको भूले तब से हमारे लिए भय उपस्थित हुआ। भयम द्वितीया अभिनिवेश सतस्या, भगवान को भूल गए जो वेदों का मंत्र है एकमेवा द्वितीय, एक अद्वितीय परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उनको हम भूल गए तो संसार में हमने चित्त लगाया मन लगाया, संसार के बंधु बांधवों को जिसको अपने पास पाया उनको अपना प्यार समझ करके उनसे प्यार किया, परंतु हुआ क्या, वे सब हमें एक एक दिन छोड़ते छोड़ते चले जा रहे और हम भी इस शरीर को छोड़ करके चले गए। इसलिए कुछ नेता इस जगत में रहते न इस संसार का प्रेम न संसार के प्रति जो भावना है वो चिरकाल बनी रहती है। इस अनेक संसार में अनेक भोगों में भौतिक सुखों में हमने मन लगाया, इसलिए हमारे अंदर भय उपस्थित हुआ है। धन जान पुत्र परिवार के लिए भय, अपने शरीर के लिए भय, इस भय से कैसे बच सकते। इसलिए कहा भयम द्वितीया अभिनिवेश सतस्या, जब हम दूसरे वस्तु में अभिनिविष्ट हो गए कि ये संसार मेरा है और मैं ये शरीर हूं, यही तो हमारा भ्रम है कि ये शरीर हम नहीं है। इस शरीर को लेकर के हम कितने अहम का अनुमान करते हैं, हम पुरुष हैं, हम युवा हैं, हम नारी हैं, हम ज्योति हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम गृहस्थी हैं, हम वानप्रस्थी हैं, हम सन्यासी हैं, इत्यादि अभिमान करते हैं।
से नहीं मिलती। इसलिए श्रीमद्भागवत ने कहा लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम्, बड़े भाग्य से ये सुदुर्लभ मनुष्य जीवन मिला। केवल खाने पीने भोग विलास में हमारे इतने नहीं है, हमें जीवन में और भी कुछ करना है। क्यों? भगवान महाप्रभु जी ने कहा कि जितने भी संसार में जीव हैं, उन जीवों को दो भाग में बांटा जाता है, स्थावर और जंगम। जो स्थिर पदार्थ है उनको स्थावर प्राणी कहते हैं, जंगम में चलने वाला प्राणी है उनमें से जलचर, स्थलचर और नौचर है। जल में चलने वाला पानी में रहने वाला, स्थल में रहने वाला और आकाश में रहने वाला, उनमें से 84 लाख प्रकार के प्राणी है, 80 लाख प्रकार के केवल प्राणियों में चला जाता है, 4 लाख प्रकार के मानव। उन 4 लाख प्रकार के मानवों में कितने मानव हैं जो सभ्यता से हैं, सभ्यता में आए थे और विकास में आए हुए, विकासशील बहुत कम है। पहाड़ पर्वतों में, जंगलों में इधर उधर बहुत से मानव हैं जिनका अभी भी कोई विकास नहीं हुआ, न सभ्यता में आए हैं। परंतु हम लोगों को भगवान ने सभ्यता में आने का सारा संयोग दिया और हम सभ्यता में आए हुए हैं, हम विकासशील मानव हैं। भगवान ने हमारे अंदर बुद्धि दी है, शक्ति दी है, इंद्रियां दी है, भौतिक सुखों को भोगने के लिए समस्त साधन जुटा दिए हैं, हमें सब कुछ उपलब्ध है। केवल मानव जीवन में विकासशील होकर के केवल यही पर विकास को सीमित कर दिया जाए, यही जीवन की पूर्णता नहीं। इसलिए इस विकासशील जीवन में कहा है कि पूर्ण विकसित जीवन और भी एक है, वह है आध्यात्मिक जीवन, पारमार्थिक जीवन। भौतिक सुखों को छोड़ करके हमें और इसके ऊपर में पारमार्थिक जीवन में जाना चाहिए। वह मनुष्य जीवन में ही लाभ होता है। जो हम यहीं बैठे बैठे इस साधन की भूल में बैठ करके हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, प्रभु के दिल को झांकी कर यहीं पर हमें बैठ करके दर्शन होता है। और हम इस संसार को छोड़ करके शरीर के बंधनों से मुक्त होकर हम भगवान के उस लोक में चले जाते हैं। पर जो जगत्वा न निवर्तन्ति तद्भावो परमो भव, जहां जहां से जीव कभी लौट के नहीं आता है वह जो दिव्य धाम है, वह बोलो वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम, उस धाम में चले जाते हैं। ये संसार जो है जन्म मृत्यु है, संसार एक और जन्म दूसरे और मृत्यु, दोनों और स्रोत इसका प्रवाह, धारा प्रवाह चल रहा है। और इसके बीच में हम आए हुए थोड़े से समय में अहंकार अभिमान में डूब करके रूप यौवन के बल में, कभी धन के बल में, कभी विद्या बुद्धि के बल में, कभी पांडित्य के बल में, इस प्रकार अभिमान में हम डूब जाते हैं। जहां जहां हमारे इतिहास में हम देखते हैं, जहां जहां ऐसे अहंकारी अभिमानी व्यक्ति आए, उन सब का विनाश हुआ है। सारी सभ्यता धरती में समा गई है, आज तो कोई सभ्यता नहीं थी। स्वर्णपुरी को बनाने वाले ऐसे लंका के अधिपति दशानन रावत और कुंभकर्ण जैसे बड़े भी इसलिए कहा है तुरंत गति सर्वपीत अनवरित हो जाओ। एकमात्र सत्यता जहां पर धर्म पर आधारित है, जहां हमारा हृदय सत्यता पर आधारित है, श्री भगवान श्री
कृष्ण पर आधारित है, ऐसे सभ्यता को कोई मिटा नहीं सकता। वो युग युग में अमर रहा है और रहेगा। इसी को सनातन धर्म का है जो हमारे इतिहास में ध्रुव नारद प्रहलाद अम्बरीश महाराज व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित जैसे राजा प्रिय श्रीमद भागवत में जिनकी कथाओं को हम सुनते हैं। इसी प्रकार पांडव लोग आए, भक्त जन आते हैं, महान पुरुष आए और साधना करके उस दिव्य अनुभूति को प्राप्त किए हैं, पर शांति को लाभ किए हैं और भगवान को हृदय में धारण करते हुए इस जन्म मृत्यु संसार को छोड़ करके भगवान के लोक में गए। इस अनंत सुख के प्रति, अनंत शरीर के प्रति केवल मोहग्रस्त नहीं, अहंकार में अभिमान में डूबे नहीं। इसलिए कहा कि बुद्धिमान पुरुष तुम जतीत न पतीत अनमृत्यु जाओ। इस शरीर का विनाश पतन जब तक नहीं होता तब तक समय है, इस थोड़े से समय में हम प्रभु की भक्ति करें, प्रभु के चरणों में हमारे हृदय का जीवन का सर्वस्व हम निछावर करें और उन्हीं को केंद्र करते हुए हम संसार का सब कुछ करते रहेंगे तो प्रभु जरूर हमें सुधार लेंगे। भगवान ने कहा है कि अर्जुन चिंता मत करो, जो लोग अनंत भाव से मेरा भजन करते हैं मैं ददामि बुद्धि योग, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं, तो मेरा मां उपजाते थे जिसके द्वारा वे मेरे पास आ जाते हैं और मुझको प्राप्त करता है। उनको किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होता, कोई भय नहीं होता। इसलिए देवताओं ने भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की संस्कार करने आ रहे थे, उस समय बोले कि प्रभु तथा नवे माधव तावका कचित भ्रष्टि मार्ग तैबद्ध स्वरूपिता। जिन लोगों ने आपके बीच में अपने श्रद्धा प्रति लगा ली, ऐसे भक्तों को किसी प्रकार कोई विपद नहीं हुआ, कोई विपत्ति नहीं आए, न उनको संसार में किसी प्रकार कोई बंधन रहा, सारे बाधा विपत्तियों को सबको अतिक्रम करते हुए आपके चरणों में पहुंचे। जितने भी बाधा डालने वाले जन देवता भी आए तो उनके भक्त पर पैर धरते हुए सर्वत्र निर्भय होकर के विचरण करते हैं। इसलिए इस सनातन धर्म का मूल है भगवान श्री कृष्ण, उनके उपदेश वाणी ही हमारे लिए जीवन की उपाय है। हम इसी का आश्रय करें और इसी को मानते हुए चलेंगे जब तो हम सनातनी बनेंगे और हमारा आधार हमारा केंद्र सही रहेगा, हम इसी पथ पर चलते रहेंगे। आज मैं इसी प्रकार इस हमारी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। हमारे गुरु त्रुटियों के लिए क्षमा क्षमा प्रार्थी वर्षा कृपा सिंधु श्री इन्होंने बतलाया। मनुष्य जन्म सर्वोत्तम जीवन है किंतु है क्षण भर का, क्षण भंगुर, कब ठीक नहीं कब चला जाएगा, किंतु सारे अर्थों को देने वाला है। रुपया पैसा चाहिए, स्वर्ग चाहिए, मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, सबको देने वाला है। इसलिए ये अर्थद है, अर्थद किंतु है कैसा, कब यह बुलबुला समाप्त हो जाएगा कोई ठीक नहीं, आज है कल नहीं, अभी है दूसरे क्षण में नहीं गिरा सकता कोई ठीक नहीं। विमान पर हजारों यात्री जा रहे हैं, 400-500 आदमी हैं, विमान ही खत्म हो गया, सभी लोग खत्म हो गए, कहीं जा रहे थे, ऐसे कितने उदाहरण हैं। ऐसे जन्म में कहते हैं तूर्णम जतेत न पतेत अनुमित्तु जावत। परीक्षित महाराज जी को 7 दिन का समय था, हमें वो भी नहीं है कब जाएगा कोई ठीक नहीं,
इसलिए जब तक ये जीवन का अंत नहीं हो जाता था तो हम मर नहीं जाते, उसके पहले ही निशेषायत सर्वत, उसके पहले ही अपना मंगल कर जाओ। तो ये मंगल कैसे होगा? परीक्षित जी महाराज जी मर रहे थे, उनको सुखदेव गोस्वामी ने कहा जो जो अभी मरने वाला है वो भगवान का नाम करे। हमारे सनातन धर्म में ये है, यदि कोई आदमी मर रहा हो साथ साथ में गंगा जल और तुलसी देकर के राम नाम कान में सुना दो, और कुछ नहीं कर सकते। मरने के बाद में कोई भी हो, किसी का भी मानने वाला, किंतु राम नाम सत्य है और उसी सत्य में ही गति है, राम नाम में ही गति है। इसलिए इससे बढ़कर के और कोई कुछ नहीं। यदि अधिक जीवन है तो उनको भगवान की कथाओं को सुनाओ, और नहीं तो भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, सहज रूप में चलते फिरते उठते बैठते, कोई नियम नहीं, कोई सूत्र नहीं ले सकता है, केवल ब्राह्मण ही लगे ऐसा भी नहीं, स्त्री नहीं लगे केवल पुरुष ही लोगे, विद्वान लोग लगे मूर्ख नहीं लगे ऐसा नहीं। किसी भी जाति का किसी भी व्यक्ति कोई भी हो, रात में दिन में स्नान करके नहीं करके, खा करके नहीं खा करके, पलंग पर बैठे हुए सोते हुए भी भगवान का नाम कर सकते, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं, इतना सरल सहज। इसलिए भगवान का नाम करना चाहिए। ए पर्सन हु इज सो हेल्दी वेल्दी, हे सो मेनी डॉटर्स एंड सन, वेरी क्वालिफाइड, he is like president of America or anywhere. His children are so qualified. And he has all kinds of happiness what a man can think. But even why he should do bhajan? Urukam Prabhu may come for 2-3 minutes, you can speak on this. Essence. Essentially, we are non-material
temporary house which we live in, this temporary family that we are associated with as our near and dear ones in this life, this will all pass away. But within each of us, there is the desire to become perfectly happy. And for this we are striving and struggling so hard, daily, in our endeavors, in our occupations, etc. But yet, no matter how much one will accumulate within this world, there will still remain within his heart a degree of dissatisfaction. There is a very nice example which is given, that if you have one bird that is within a cage, and this cage is a very beautiful cage, golden type of cage, and the keeper of this bird every day is coming there, and he is very proud of this bird cage, so he is carefully dusting the bird cage every day, making sure that this golden bird cage is sparkling and gleaming. But somehow he is forgetting that within this bird cage there is a bird. And this bird requires to have nourishment also. But he is forgetting to feed this bird. So gradually, day by day, the bird is becoming weaker and weaker. And then the bird dies. And one day, the man notices, huh, the bird has died. Why is this? And he begins to understand, I have failed to nourish this bird. So it is a similar kind of situation that we find ourselves in this world. That we have so many desires and ambitions to fulfill within our life. We want to become happy through the gratification of our senses. We want to eat very nice food, we want to sleep very nicely, we want to provide all necessary facilities for our body. But no matter how much facilities we provide for our body, actually, we can never truly become happy. Because the soul, the essential Atma, which we are, cannot be satisfied by any amount of material gratification. It is not possible. And we see that even many individuals who have gotten so much wealth and so much good fortune within this world, still they must suffer so much because this material body by nature is full of suffering. Old age must come. No one can escape old age. Diseases must come upon this body. No one can escape. And of course, no one can escape death. So the Vedas are giving us an instruction that this human form of life, manushyam arthadam, that it can provide one with the greatest benefits. Manushyam, this human form, can give one the greatest benefits. And that is that one can attain his eternal position, his eternal constitutional position. And as we have been hearing tonight, this eternal constitutional position is Krishna Nitya Das. We are eternal servants of the Supreme. And this constitutional state of ours can never be changed. Just as the constitutional condition of water is that it will always be wet. The constitutional position of sugar is that it will always taste sweet. So similarly, our constitutional position is that we must always be serving. In this world, we are all serving. We find that even a big president or prime minister, he is serving all of his subjects. And just like now, in the United States, we see that this great president has done some misbehavior, so it is very possible that very soon he will be kicked out of his position, because he did not serve properly. So actually, we can never escape our service position to the Absolute. So we should understand that if we do not utilize the human form, this very great opportunity that we have gotten over many, many lifetimes,
human form. And in this human form, we are finally having the opportunity to hear the supreme absolute truth from realized souls, tattvagya, personalities who actually fully understand, tattvadarshi, those who can see the absolute truth. And if we do not utilize the human form properly, then we are losing the greatest opportunity. So therefore it is said to an Anuryatetan of a thing that one should not waste this human form and again fall down back into the lower species of life. Then we will have lost our greatest opportunity by which we can attain eternal happiness. Perfect eternal happiness. That is our constitutional state. Sat-chit-ananda. Just as the sun that we see in the sky has so many sun rays emanating from it, and these sun rays are full of heat and light, so similarly the sun is full of heat and light. In the same way, the Supreme Absolute Truth, Bhagavan, Sri Krishna, and all of his avatars, they are like the sun. And us, jiva souls, we are like the sun rays, the sun light. So qualitatively, we are the same as the Supreme Lord, but we have forgotten this position of ours. He is Satchit Ananda Vigraha, and also the jiva soul is Satchit Ananda, but very minute, very tiny. So if we connect ourselves through the process of doing bhajan, of properly worshipping the Supreme Lord in this human form, then again we will attain our position as Sat-Chit-Ananda, eternal, full of knowledge and full of bliss. And this is the benefit that can be attained in this human form of life. Hare तो ये हमारा सनातन धर्म है। अभी 500 वर्ष पहले कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने यह संदेश सारे विश्व को। इसलिए हमारे इस शरीर से जो हम धर्म करते हैं, स्त्री पुत्र परिवार सबके प्रति, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का ये पहला स्टेप है। सनातन धर्म असल है, अभी जिन्होंने बतलाया, कृष्ण ही जगत के सर्वोच्च भगवत तत्व हैं, आराम भी वही है। चंद्र और चंद्र की कलाओं जैसे, चंद्र दो नहीं है इसलिए भगवान दो नहीं है। उनके प्रति जीव का यही एकमात्र कर्तव्य है कि उनको जान करके उनकी सेवा करे। ये सेवा जो प्रेममयी सेवा, यही सनातन धर्म है। किंतु इस शरीर में माया के द्वारा अबद्ध होने पर थोड़ा सा हम लोगों का प्रीति बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है। अभी हमारी स्थिति विकृत रूप में है, इसलिए धीरे 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 भगवान नाम करते हुए, भगवान की कथाओं को सुनते हुए धीरे धीरे हम लोग इसमें प्रवेश करें। आज यहीं पर हम लोग अपना वक्तव्य समाप्त कर रहे हैं। कल से हम लोग भगवान की मधुर कथाओं के माध्यम से धीरे धीरे इस विषय को उदाहरण के साथ में परवेशन करने की चेष्टा करें। एक कीर्तन कर दो तो भाई। कृष्ण नाम तो क्या, कल आप लोग नगर संकीर्तन में जाएंगे, यू कैन गो टू नगर संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन।
महामंत्र करके कीर्तन करते हैं। कल से हम लोग ठीक समय पर आएंगे 8 बजे के क्या कह रहे हैं 8 बजे कुछ कर आप आ जाएंगे 7:30 बजे शाम नाम।